चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाप्त मुकम्मल, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। वकील ने दलाल में कहा कल इलेक्शन है, अगर रोक दिया जाए तो बेहतर होगा, ईद के बाद हो जाए तो क्या हर्ज है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुकालमा किया, बातिल नजर में देखना होगा कि इलेक्शन रोक सकते हैं या फिर नहीं। कराची में लुटेरे बेलगाम, 12 घंटों में 4 शहरी कत्ल। औरंगी में शहरी के ताकू के बाद डाकू घर में घुस गए, मुजाहमत पर बच्चों के सामने कत्ल करके फरार। गुलजार हिजरी में वैन ड्राइवर को गोली मारी गई। मेट्रोविल साइट में पोल्ट्री फार्म का कैश ले जाने वाले कार पर फायरिंग, अकाउंटेंट और ऑफिस बॉय कत्ल। मुलजमान 1,35,00,000 रुपये लूट कर भाग निकले। डाकू के हाथों शहरियों का कत्ल नाकाबले बर्दाश्त है। साइट में 2 अफराद के कत्ल पर वजीर दाखिला सिंह का इजहार बरहमी। SHO साइट को फिलफौर मुअत्तल करने का हुक्म। SSP के बाड़ी को जामे इंक्वायरी की हिदायत। वाज़े कर दिया, फील्ड में जाने के बजाय दफातर में बैठने वाले थानेदारों से जिम्मेदारियां वापस ली जाएं। DIG साउथ सैयद असद रजा कहते हैं कि हमलावरों को वैन के आने की तला थी, मामूल का स्पीड क्राइम नहीं, हमलावरों ने वैन को मालूमात की बुनियाद पर टारगेट किया। सरमाकारों का एतमाद बहाल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार को टॉप गियर लग गया। बुलंदी के नई तारीख रकम, पहली बार 69,000 की सतह अबूर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुस्बत रुझान, इंडेक्स में 1203 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 69,619 पर बंद हुआ। मार्केट हजम में 1.76% इजाफा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।